आपका स्वागत है और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। इस वक्त आप सात और परेड का तस्वीरें देख सकते हैं। सफाई कर्मचारी धरने पे बैठ चुके हैं, सड़क पर बैठ चुके हैं। क्या कुछ मांग लेके हैं, सड़कों पर उतर आए, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ आना चाहते हैं। सात और परेड का तस्वीरें देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। क्या कुछ मांग लेके ये, क्या कुछ होना चाहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ मांगे हैं इनकी। क्या कहना चाहेंगे, काफी लंबे समय से प्रदर्शन पहले भी कर रहे थे, एक बार फिर आज कहीं ना कहीं नजर आए हैं प्रदर्शन करते, क्या कहेंगे। मैम, सिविल सफाई कर्मचारी यूनियन हमेशा ही अपनी मांगों को लेकर आगे रहती है। जैसे हमारा कैजुअल जो 7 साल कवर कर चुका था उनको परमानेंट करना, और जो कैजुअल जिन्हें फॉर्म फिल किए थे उनको डेली विजिट करना। लेकिन हमने पिछले दिनों में भी स्ट्राइक की, और जिसमें हमारी रियोगन का मसला था इन्होंने हल किया, लेकिन अभी तक हमारा जो कैजुअल 7 साल कवर कर चुका है मुलाजमा उनको परमानेंट नहीं कर रहे। उनके बीच में से कई ऐसे मुलाजिम हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। हम गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं, हमारे अपने कमिश्नर साहब से और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमारे सफाई कर्मचारियों को जल्द से जल्द डिमांड हल की जाए। अगर कल को जैसे अगर हमारा आज मसला हल नहीं होता, 17 तारीख को हमारा पहला प्रोटेस्ट है, दूसरा है। अगर हमारी डिमांडों को लेकर गवर्नमेंट ने कोई नाकामी की तो 18 तारीख को सफाई कर्मचारी जितने भी हैं वो सभी काम छोड़ स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अगर कोरोना के कारण अगर किसी का इन्फेक्शन फैलती है तो उसकी जो जिम्मेवारी है वो हमारे डिपार्टमेंट की होगी, जहाँ हमारे एलजी साहब की होगी, ना तो हमारे सफाई कर्मचारियों की, क्योंकि सफाई कर्मचारी हमेशा ऐसा एक तबका है जो सुबह 6 बजे उठते हैं और अपना काम करते हैं ईमानदारी से। मैं आपके माध्यम से ये क्या लगता है आपको कि सरकार कब तक आपकी बातों को नजरअंदाज करती रही है। जी पिछले मैम हम काफी देर से इन मसलों के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक अपने सारे ही कान और अपनी आंखें बंद कर बैठी है। अगर जल्द से जल्द इन्होंने हमारी डिमांडों को पूरा ना किया तो मजबूरन 18 तारीख को जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन्हें स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। मैं साथ साथ एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है, वो जे होता रहा है चाहे हमारे पॉलिटिकल लीडर हो या आज की हमारी गवर्नमेंट हो, उसमें ये है कि जम्मू कश्मीर में एनजीओ सिस्टम बिल्कुल नहीं है। जहां पे हमने इन्होंने हमारे ऊपर एक एनजीओ स्किल्ड और अनस्किल्ड को हमारे ऊपर डाल दिया है, जिसमें हमारे मुलाजिम है स्किल्ड अनस्किल्ड में 10 साल 15 साल काम करते हैं, उसके बाद उन्हें डेली विजिट किया जाता है, फिर 7 साल के बाद उन्हें परमानेंट किया जाता है। हम चाहते हैं कि जितने भी एनजीओ स्किल्ड में है उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी बन जाए कि जिसमें उन्हें एनजीओ पे काम ना करने 4 या 5 साल के बाद उन्हें कैजुअल लेवल में या परमानेंट में उन्हें तब्दील करना पड़े। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से मांगे ना पूरी की तो मजबूरन जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन सबको 18 तारीख को जाना पड़ेगा स्ट्राइक पर। तो हम मीडिया के माध्यम से जब आज गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अगर ना मानी तो उसका आने वाले दिनों में इल्जाम होगा, वो गवर्नमेंट जवाब देगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप सड़कों पर उतर आए हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांगे क्या है आपकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे। हमारी मांगे हैं मैम, जो पहले कैजुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए, और जो एनजीओ में है जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं उनको नीट बेसिस पे उनके फाइनल लिस्ट निकाली जाए। हमारी डिमांड है कि हमारी ये अगर ये डिमांडें हमारी ना पूरी हुई तो हम रोड्स पे उतरेंगे, हम स्ट्राइक पे उतर जाएंगे। तो अगर कोरोना में अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा तो इसकी जिम्मेदारी सरकार होगी और गवर्नमेंट सरकार। हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी लिस्ट आउट नहीं होगी, हमारा प्रदर्शन जारी जब उनके लिए ये नहीं सोचा जा रहा है कि
कि उनके लिए उनको आगे बढ़ाया जाए, हमारे सफाई कर्मचारियों को आगे बढ़ाया जाए। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो बिल्कुल रॉन्ग साइड पे है। स्मार्ट सिटी का कोई मतलब नहीं है जब तक मुलाजिम सुखी नहीं होगा, स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती है। स्मार्ट सिटी में मुलाजिम ही काम करेगा, अगर शहर साफ होगा तो हमारे मुलाजिम ही करेंगे। अगर मुलाजिमों की डिमांडें पूरी नहीं होंगी तो शहर साफ नहीं होगा, स्मार्ट सिटी का कोई मतलब नहीं है। हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। क्या अपील क्या करना चाहेंगे एलजी मनोज सिन्हा? हम अपील करना चाहते हैं कि हमारी 600 पोस्ट जो परमानेंट करनी है उनको जल्द से जल्द किया जाए, और जो नीट बेसिस पे लगाना है उनको उनकी फाइनल लिस्ट जल्द से जल्द निकाल। जी बिल्कुल, आपने साफ तौर पर सुना कि क्या कुछ कहना है, इनका जो पोस्ट है उन्हें परमानेंट किया जाए और इन्हें इनका हक जो है वो दिया जाए। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठी होती है, जोरदार प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है, और हर बार ये प्रदर्शन जो है वो देखने को